के उत्तर पश्चिमी इलाकों के दौरे पर निकले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कल अजीबोगरीब घटना हो गई, जब ऑन कैमरा एक शख्स ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मैक्रों से मिलने के लिए खड़े लोगों का एक एक कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने एक शख्स की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उस शख्स ने उल्टे उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इससे राष्ट्रपति और उनके सुरक्षा कर्मी अवाक रह गए, हैरान रह गए कि अचानक ये क्या हो गया। मैक्रों को लगा थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो कई कदम पीछे भागते चले गए, जबकि सुरक्षा कर्मी रेलिंग के पास पहुंचे और हमलावर युवक को दबोच लिया। मैक्रों कुछ दिनों से फ्रांस के देशव्यापी दौरे के दूसरे चरण में व्यस्त हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक थप्पड़ पड़ते ही पास खड़े अन्य लोग बेहद ही तेजी से चिल्लाए। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांसीसी पुलिस का कहना है कि पुलिस उन दोनों से पूछताछ कर रही है और हमले की वजह जानने की कोशिश में है। Vas-y, casse-toi de là! Enculé! दोपहर के वक्त हुए इस हमले को प्रेसिडेंट की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। मैक्रों देश में जनता की नब्ज जानने के लिए निकले हैं। हमले के पहले प्रेसिडेंट एक हाई स्कूल में छात्रों से मिलकर निकले थे और उनसे मिलने के लिए बेकरार भीड़ का अभिवादन स्वीकार करने पहुंचे थे। तो जैसे ही वो आम जनता से मिलने पहुंचे, हरे रंग की टी शर्ट, चश्मा और फेस मास्क पहने व्यक्ति ने राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति मैक्रों उसके पास आए, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे पकड़ा और घसीटते हुए दूर लेकर चले गए। इसके साथ ही राष्ट्रपति को थप्पड़ मारने के बाद युवक ने डाउन विद मैक्रोनिया नारा भी लगाया। ये फ्रांस की सेना का युद्ध में लगाए जाने वाला नारा हुआ करता था जब फ्रांस एक राजतंत्र था। Vas-y, casse-toi de là. आपको बता दें कि हाल ही में फ्रांसीसी सेना को सेवा देने वाले एक गुट ने राष्ट्रपति मैक्रों को इस्लाम को लेकर हिदायत दी थी। इस गुट का कहना था कि इस्लाम धर्म को रियायत देने की वजह से फ्रांस का अस्तित्व दांव पर लग चुका है। साथ ही उन्हें एक खुली चेतावनी दी गई थी। लेकिन इस तरह की घटना राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। देखना होगा कि इन दोनों शख्स से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।